नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जब आपके अपने बागी हो जाते हैं तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। ये बात तेज प्रताप यादव के लिए भी है और जेडीयू के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है। लगातार सभी पार्टियां में कुछ ऐसे नेता हैं जो बागी हो गए हैं। अभी तेज प्रताप यादव का मामला लगातार चल रहा है। इसके पहले जेडीयू में मामला चल रहा था, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सहित कई अन्य लोगों का मामला था। अब एक बार फिर से बीजेपी में भी ये मामला निकल कर सामने आया है। आपको बता दें, बीजेपी ने अपने कई नेताओं पर कार्रवाई की थी। वो कार्रवाई इसलिए हुई थी कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, नीतीश कुमार के बारे में बातें कर रहे थे और नीतीश कुमार के एजेंडे, उनकी मनसा पर सवाल उठा रहे थे। हम बात बीजेपी के एमएलसी टुन्नाजी पांडे का करें या अन्य लोगों का करें, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू सहित कई अन्य नेता इस लिस्ट में शामिल है। एक बार फिर से बीजेपी एमएलसी टुन्नाजी पांडे ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा है कि मैं बागी हूं। सीधे तौर पे कहें तो उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए कुछ लिखा है, जिसके बाद बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्होंने लिखा है, सिवान के लिए लड़ना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं। अब इस मामले को लेकर कई मामला जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा नीतीश कुमार को लेकर किस तरीके से वो हमलावर थे और तब बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। अब आने वाले दिनों में बीजेपी का उन पर क्या रुख है, इस बात को लेकर संशय बना हुआ है। कई बार बीजेपी के खिलाफ वो बोलते नजर आए हैं। अब एक बार फिर से सिवान की भलाई के लिए, वहां की जनता की भलाई के लिए अपने पार्टी से बगावत करने के सुर में है। जब उन्होंने इस बात को लिखा तो इसका सीधा आशय इससे माना जा सकता है कि अभी सरकार उनकी है और वो अपने सवाल को उठा रहे हैं और उनके सवालों को जवाब नहीं मिल पा रहा है। पिछले दिनों उन्होंने अफसरशाही को लेकर भी सवाल उठाए थे। लगातार वो अभी मीडिया के सुर्खियों में है, चाहे वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की योजना हो या जातिगत जनगणना हो या जनसंख्या नियंत्रण हो, सभी मामलों पर वो खुलकर बोल रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं बीजेपी से बगावत का मूड बना लिया है और उन्होंने बगावत का राग अलाप दिया है फेसबुक पोस्ट के जरिए। अब ऐलान कर दिया, देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी का उन पर क्या एक्शन होता है, क्योंकि बीजेपी पहले ही उन पर एक्शन ले चुकी है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।